कैसे आप सब लोग। सो ये है पियानो का नया लेसन। जैसे कि आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि लेसन बनाओ, तो आज ये लेसन मैंने कोशिश करी बनाने की। तो ये आज आपके सामने शीट है द सीजर ग्राइंडर। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे बजेगी, और इसमें ये नई चीज़ क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सीडेंटल्स क्या होते हैं और क्रिसेंडो और डिक्रिसेंडो में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोगों को पता भी होगा जो मतलब जो लोग पियानो बजाते हैं कीबोर्ड बजाते हैं, तो नोटेशन में ये चीज़ आती है मतलब कि डिक्रिसेंडो क्या होता है, क्रिसेंडो क्या होता है। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए तो भाई बहुत हर चीज ही मतलब नहीं है सीखने के लिए है। तो इसमें है तीन दो चीजें हैं बेसिकली, डिक्रिसेंडो क्रिसेंडो, उसमें तो वो एक ही हम बोलते हैं उसको। एक्सीडेंटल, जैसे एक्सीडेंटल का मतलब ये होता है कि आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे हम ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो नेचुरली होता है ना, एकदम से होता है। तो ये भी आप इसको ऐसे ऐसे याद करो कि एक्सीडेंटल्स का मतलब ये होता है कि जब हम कोई शीट बजाते हैं तो वो एक स्केल पे होती है, मतलब कि एक की पे होती है, मतलब जैसे सी की है, डी की है, ई की है। तो जैसे सी मेजर स्केल है, उसमें ना तो कोई शार्प होता है ना तो उसमें कोई फ्लैट होता है। तो ये भी इसके अंदर भी ना कोई शार्प है ना कोई फ्लैट है। जितने भी शीट आपने बजाई, किसी किसी में क्या होता है कि एक शार्प होता है जो कि एफ शार्प आता है, किसी किसी में एक फ्लैट होता है जैसे कि बी फ्लैट, तो वो की होती है एफ मेजर स्केल। अगर किसी में एक फ्लैट आ रहा है तो, अगर किसी में एक शार्प आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं जी मेजर स्केल, है ना। तो इसमें भी कोई शार्प कोई फ्लैट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मेजर में इन्होंने शार्प दिया है और कहीं कहीं मेजर में उन्होंने फ्लैट दिया है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल्स। सिंपल चीज है। डिक्रिसेंडो क्रिसेंडो मैं आपको भी प्ले करके बताऊंगा कैसे है, और सब कुछ बताऊंगा कैसे स्टार्ट होगा, कैसे बीट हम, जैसे जो लोग मतलब इस चैनल में नए हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि पुरानी वीडियोज आप देख लो तो उसमें आपको ज्यादा यूजफुल रहेगा ये पीस प्ले करना है, कैसे इसको हमें जो है प्ले करना है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूंगा स्टार्टिंग से कैसे रीड करना है, कैसे इसको बजाना है। तो गाइस, ये रही मेरे सामने शीट द सीजर्स ग्राइंडर के नाम से, और ये शीट आप पहले डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उसका लिंक दे दिया है। जो पुराने जो सब्सक्राइबर्स उनको तो पता है, जो नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। मैं जो भी यहाँ पे आपको सिखाता हूँ उसका मैं लिंक देता हूँ, ताकि आप इसको डाउनलोड कर लो, सेम शीट फिर आपके सामने हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसे सीखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि या तो मैं किस पे कैमरा करूँगा या फिर इस पे कैमरा करूँगा शीट के ऊपर। तो उसका डाउनलोड करो, टैबलेट में करो या फिर उसको प्रिंट करवा लो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ लिखा है एक्सीडेंटल्स, ये आप अपनी शीट में आप पढ़ो, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक्सीडेंटल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको मैंने बता दिया अभी। लिखा है यहाँ पे द शार्प, शार्प का ये साइन है होता है जो हमारे फोन में हैश का साइन होता है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 स्टार हैश, तो ये वही वाला साइन है। जब कभी ये साइन आता है उसका मतलब होता है कि आपको सेमी नोट अप जाना है, यानी कि अगर एफ नोट है और ये एफ नोट है, तो अगर ये साइन इस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एफ शार्प। अगर ये है जी नोट, कोई भी जी नोट है हमारे सामने, तो ये अगर ये साइन हो जाएगा शार्प का तो वो हो जाएगा जी शार्प। अब आप देख रहे हो कि भाई सी का शार्प है, डी का शार्प है, ये ब्लैक कीज है सारी, उसको हम शार्प बोलते हैं। सी का शार्प है, डी का शार्प है, ई का शार्प नहीं है, तो ई का शार्प एफ होगा, क्योंकि यहाँ तो इसके आगे ब्लैक की नहीं है ना, एफ के आगे ब्लैक की है। तो अगर कभी आप इस चीज में अगर आप कभी अटक जाते हो तो इसमें आपको ई को अगर शार्प बजाना तो ये होगा एफ, और इस केस में भी एफ का शार्प ये हो गया, जी का शार्प ये हो गया, ए का शार्प ये हो गया, बी के शार्प वाले केस में भी आप बी को सी ही बजाओगे, बी के शार्प में ये नहीं करोगे आप, क्योंकि इसमें तो आप ए की आपने स्किप कर दी ना यहाँ पे। अगर आप ये बजाओगे तो देखो, अगर हम एफ से एफ शार्प बजाते हैं तो इसमें हम नेक्स्ट की पे बजा रहे हैं ना, हम जी थोड़ी बजा रहे हैं, तो इसमें आप एक नोट स्किप हो रहे हैं इस केस में। तो शार्प का मतलब है कि आपको सेमी नोट जाना है, सेमी मतलब हाफ, तो ये है एफ, ये है एफ शार्प, ये है बी तो ये है बी शार्प, ये है ई तो ये है ई शार्प, और ये है डी, ये है डी शार्प, ये है सी, ये है सी शार्प, समझ आया। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे द शार्प ये क्लियर हो गया, एंड फ्लैट। अच्छा, फ्लैट क्या होता है, फ्लैट होता है ऐसा एक बी का साइन होता है, उसको हम फ्लैट कहते हैं। फ्लैट में क्या होता है कि नोट सेमी नोट डाउन जाएगा, जैसे कि ये है जी और ये था जी शार्प, अगर हम इस तरफ गए आगे की साइड तिरछे मतलब सामने नेक्स्ट नोट, और ये होगा हमारा जी फ्लैट, जी जी फ्लैट, ऐसे ये है बी बी फ्लैट, डी डी फ्लैट, सी सी फ्लैट, सी सी फ्लैट होगा, बी बी इसको आप कह सकते हो। एक ही नोट के दो नेम होते हैं कि भाई सी सी शार्प या फिर डी डी फ्लैट। तो फ्लैट और उसको शार्प का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया, हो गया आपको। तो ये हमारे पास साइन यूज टू रेज और लोअर नोट्स ऑन हाफ स्टेप आर कॉल्ड एक्सीडेंटल्स। मतलब एक्सीडेंट को ये हो गया ना कि शार्प और फ्लैट के उन्होंने समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पे है न्यू हैंड पोजिशन इन सी मेजर, शिफ्ट द लेफ्ट हैंड थ्री वाइट कीज अपवर्ड टू मिडिल सी एंड प्रैक्टिस ईच हैंड सेपरेटली। तो ये कहना है कि भाई हमारा ये है राइट हैंड, फिंगर प्रेसिंग इसमें आपको उन्होंने बता दी पहले, 1 2 3 4 5
लेफ्ट हैंड में 1 2 3 4 5, तो ये जो दोनों थंब है ना ये आएंगे मिडिल सी पे। अच्छा मेरे पास जो ये पियानो है ना ये 88 किस का पियानो है, जिन लोगों के पास 61 किस का पियानो है वो भाई पियानो के सामने बैठ जाओ बिल्कुल बीचों बीच और फिर आप देखो कि आपका सी नोट कौन सा है। सी नोट का सिंपल सा ढूंढने तरीका ये है कि ये चॉपस्टिक, चाइनीज लोग को चॉपस्टिक मैं बोलता हूँ मतलब जो बिगिनर्स हैं उनको समझाने के लिए, और ये है फोक जिससे हम नूडल्स खाते हैं उसको फोक बोलते हैं। तो चॉपस्टिक का फर्स्ट अल्फाबेट सी, तो ये हो जाएगा आपका वाइट की सी, ब्लैक वाली सी मत प्ले करना, वाइट वाली की प्ले करना। ऐसे फोक में फर्स्ट अल्फाबेट आएगा एफ, तो एफ का हो जाएगा वाइट वाली की ये वाली, तो सी एफ सी एफ, तो मिडिल वाला सी पे आपको रखने हैं दोनों थंब ऐसे, ठीक है। आपको मैं पोजीशन बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं सी पोजीशन, सी ऐसे और सेकंड फिंगर नंबर ये है दोनों की, जैसे कि राइट हैंड की 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड की 1 2 3 4 5, दोनों थंब आ जाएंगे यहाँ पे, सेकंड आ जाएगी यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, मतलब दोनों आपको सेट करनी है ऐसे, लेकिन दोनों जो थंब है वो आएंगे मिडिल सी पे। अच्छा अब ये है यहाँ पे नोटेशन बनी हुई है, क्या है ये ट्रबल क्लैफ है, ये क्या है बेस क्लैफ है। भाई पुरानी वीडियोस देख लो नहीं तो नहीं समझ आएगा आपको, ऐसे जो नए जो व्यूवर्स हैं मतलब अभी जो देख रहे हैं, ठीक है। 3/4 मतलब काउंट करना है आपको 1 2 3 1 2 3, हर बार 1 2 3 काउंट करना है, कितनी बार 4 बार। ये है 3 4 टाइम सिग्नेचर, ये है फर्स्ट मेजर, सेकेंड मेजर, थर्ड मेजर, फोर्थ मेजर, एक मेजर में तीन काउंट करने हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अच्छा ये हमारे पास है फिंगर नंबर, ये फिंगर नंबर होती है जो नोट के ऊपर होती है ना 3 5 2 3, ये फिंगर नंबर होती है, कहीं कहीं जगह उन्होंने नहीं दे रखी है, ऐसे यहाँ पे फिंगर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर उन्होंने 5 बता दी थी कि भाई ये जी नोट है और ये है फिंगर नंबर 5, तो ये मेक सेंस यार, जब ये 5 है तो ये भी 5 होगी, इसलिए फिंगर नंबर नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिंगर नंबर 2 है, ये था डी नोट, यहाँ पे भी ये भी सेम नोट है देखो दोनों, ये वाला और ये वाला, सेकंड मेजर में और फोर्थ मेजर में, ये भी डी है, तो इसलिए यहाँ पे भी फिंगर नंबर नहीं है। ओके तो उसका स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे राइट हैंड, कभी भी हम स्टार्ट करते हैं ना नोटेशन तो लेफ्ट हैंड नहीं बजाते, हमेशा हम राइट हैंड पहले बजाते हैं, क्योंकि जो मेलोडी होती है वो हमेशा राइट हैंड के अंदर होती है, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा पैटर्न्स होते हैं और उसमें हार्मनी आती है, मतलब कि जो मेलोडी को फुलफिल करती है। तो राइट हैंड बजाते हैं पहले काउंट के साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये थी फर्स्ट लाइन, फिर से बजाता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेफ्ट हैंड बजाऊंगा, ये है सी नोट फिंगर नंबर 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये पैटर्न यहाँ पे सेम यूज हो गया क्योंकि इसलिए मैं फिंगर नंबर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम दोनों को कहते हैं एक साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जब नोट ऐसे आते हैं ना ऊपर नीचे जैसे ये 3 और 1 है, तो ये एक साथ बजेंगे ऐसे, ठीक है। आपको ऐसे नहीं बजाना, अब फिंगर प्लेसिंग रखनी है आपको ऐसे, फिर बोलने के आप गाना भी गा सकते हो, जैसे लिखा हुआ ना राम एंड राम, ये लिरिक्स होती है बेसिकली। तो किसी को अगर बोरिंग लगता है काउंट करना तो वो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन आप जब ही कैसे करना जब आपको समझ आ जाए कि भाई ये काउंट कैसे करना है, क्योंकि आप पहले ये करोगे और फिर वो पूरा मैस हो जाएगा, देन फिर ना वो प्ले बजेगा ना वो बजेगा। अब बजाते हैं सेकेंड लाइन 1 2 3 1 2 3। अच्छा अब ये आ गया यहाँ पे क्रिसेंडो, इसका मतलब होता है जब ऐसे साइन आएगा ना जैसे ऐसे, मतलब ये साइन ऐसे खुलेगा, मतलब जिसका फेस होगा वो राइट की तरफ, अगर राइट की तरफ उसका फेस होगा तो ये इसका मतलब होता है, मींस क्रिसेंडो बोलते हैं इसको, अ ग्रेजुअल इंक्रीज द टोन, आपको टोन जो है वो इंक्रीज करनी है बेसिकली, ठीक है। तो इंक्रीज मतलब लाउड, थोड़ा सा मतलब एक्सेंट देना है आपको उस वहाँ से, ग्रेजुअल बिकमिंग लाउड। सो ये फिर से बजाता हूँ, उसमें डिफरेंस आप देखना जब अब ये यूज हुआ है, और इसके बाद आएगा यहाँ पे, अब आप इस वाले मेजर पूछोगे सेकंड लाइन के फोर्थ मेजर पे डिक्रीजेंडो, डिक्रीजेंडो मतलब देखो डिक्रीज मतलब समझ आ गया होगा आपको कि कोई चीज़ कम हो रही है बेसिकली, सो ग्रेजुअली डिक्रीज द टोन, तो आपको जो टोन है वो डिक्रीज करनी है, क्योंकि इसका फेस इस साइड था और ये ऐसे ये मुंह इसका बंद हो रहा है आगे की साइड, तो ये टोन डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड लाइन बजाता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3
फिर से बताता हूँ, 1 2 3 थर्ड लाइन 1 2 3 1 2 3 ये सेम ही है फर्स्ट लाइन की तरह 1 2 3 1 2 3। अब यहां पे आ गया भाई फ्लैट, तो ये बजेगा सेकंड फिंगर नंबर से और ये है बी फ्लैट, तो ये हमारा बी नोट, इससे बजाओ ये बजाओ फ्लैट ब्लैक वाली की, हाफ स्टेप डाउन जाओ लेफ्ट हैंड में, और यहां पे है 3 ई नोट यानी एक साथ बजाओ उनको 1 2 3 फिर 1 2 3। अब ये एफ यहां पे ऐसे बजेगा एज इट इज, क्यों यहाँ पे हमने शार्प बजाया था, ये है ये होता है एक्सीडेंटल, देखो समझ आया आपको कि इसी मेजर के अंदर शार्प था, यहाँ पे शार्प नहीं है और की सिग्नेचर के अंदर कुछ है ही नहीं, नो फ्लैट नो शार्प, व्हेन एवर यू सी फ्लैट और शार्प साइन जस्ट प्ले दोज नोट फ्लैट और फ्लैट और शार्प, जो भी वहाँ पे नोट है मेंशन। फिर से बताता हूँ ये वाला लाइन 1 2 3 और ये है मॉडरेटो मतलब मीडियम, तो ये है 60 और ये मतलब कि ये टेम्पो दिया हुआ है कि आपको किस टेम्पो बजाना, तो ये स्लो ही बजेगा बेसिकली। अब मैं पूरा बीस बजाऊंगा ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा ये जो मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल्स क्या होते हैं, डिक्रेसेंडो और क्रिसेंडो, टेम्पो रीड करना भी समझा दिया, पुरानी वीडियोस देख लो अगर आपको नहीं समझ आया तो बिल्कुल आपको समझ आएगा क्योंकि मैंने अब जो लेसन टू लेसन में चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ये था लेसन नंबर 12, तो इसमें आपको मैंने चीज क्लियर कर दी एक्सीडेंटल्स क्रिसेंडो डिक्रेसेंडो। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, अगर नए हो इस चैनल पे दोस्तों कर दो सब्सक्राइब, पुराने हो तो कर दो आप लाइक और शेयर तो कर ही दो दोस्तों के साथ जिनको पियानो सीखना है सीखना चाहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा तो वो लोग वीडियोस पे ज़्यादा मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस की वीडियोस होती है क्योंकि बहुत टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा शेयर कर दें वीडियो जितना आपसे हो सके। और वीडियो आई एम सो सॉरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इस बारी क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया था, क्योंकि जैसे आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं ट्रिनिटी के मैं एग्जाम्स भी करवाता हूँ बेसिकली, मतलब जिन लोगों के मतलब अगर ग्रेड्स देने हैं, मैं दिल्ली से हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना हो ग्रेड से रिलेटेड, मतलब कोई पीस आपको नहीं समझ आ रहा हो या मतलब कोई एक्सरसाइज आप कुछ मतलब प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी मतलब आपको पूछना, ओरल टेस्ट, साइड ट्रेडिंग, इम्प्रोवाइजेशन, इसमें मैं आपको इसके लिए सेपरेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वाली, क्योंकि अब ये लेसन मैंने बना दिया कि मैं पहले वो बनाता था आप लोग फिर से मुझे बोलते कि जतिन जी पियानो लेसन नहीं आ रहे हैं कुछ वीडियो बनाओ, मेरे पास फोन आया था बांग्लादेश से फोन आया था मेरे पास और बहुत जगह से मेरे पास मतलब फोन आया था कि मैसेज भी आ रहे थे मेल्स भी आ रही थी कि वीडियोज बनाओ ये करो वो करो, तो उनको मैंने बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दो मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, अभी मैं फ्री हुआ मतलब अभी कुछ दिन पहले, तो अब मैं बनाऊंगा लोगों के लिए डेली वीडियो, डेली मतलब रोज तो नहीं खैर लेकिन हफ्ते में एक बार तो एक वीडियो मैं जरूर डालूंगा मतलब आप लोगों के, और अब मुझे बताना कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, जैसे आरपीजीओस की भी मेरे पास इंक्वायरी आई थी तो मैं मुझे आरपीजीओस के ऊपर वीडियोज बनानी है, स्किल्स के ऊपर भी वीडियोज बनानी है और साइट रीडिंग के भी ऊपर वीडियोज बनानी है कि भाई साइट रीडिंग मतलब कैसे आप इसको रीड कर सकते हो नोटेशन को, मतलब जैसे कुछ पियानिस्ट आपने देखे होंगे नोटेशन सामने है और जल्दी जल्दी वो रीड करने बजा रहे हैं तो उसको कहते हैं साइटेड, इन लोगों को नहीं पता, और काफ़ी सारे कंटेंट बहुत है मतलब कि, तो बेसिकली यही बात है कि जो आप मुझे बोलोगे मैं वो करूँगा, जैसे कि आपने बोला वीडियोज़ बनाओ मैं आप वीडियोज़ बना दूंगा, तो ये जितना आप कमेंट में मुझे बता दोगे देन उस हिसाब से मैं बना दूंगा। तो लेसन आपको पसंद आया तो आप कर दो लाइक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहो पियानो सिखाते रहो दोस्तों में, चलो धन्यवाद।